आप सभी लोग जानते होंगे कि हर साल 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था इस समय, या फिर आप देखते हैं कि कारगिल युद्ध के बारे में भी आप लोग सुनते रहते होंगे। और आप समझते हैं कि कारगिल युद्ध जीतने के लिए हमारे बहुत सारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा, बहुत सारे सैनिक हमारे एक तरह से घायल भी हुए हैं, तब जाकर हमें ये विजय मिली थी। तो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कारगिल युद्ध या इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं वो जरूरी हो जाते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी तो आप लोगों को इस तरह के टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारे देश के सैनिकों के बारे में आपको मालूम तो होना चाहिए कि हमारी हमारे देश के बलिदान किस तरह से गया, हमें उसमें उस युद्ध में मिला क्या आखिर, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, और आप कह सकते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन थे, और ये युद्ध हुआ आखिर क्यों का क्या कारण थे, और भी इस तरह के कई आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए मुझे लगता है। और कोशिश यही रहेगी कि आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं पॉइंटों को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार मैप पर चलिए, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में तो ये हमारा प्यारा भारत है, और अपनों पड़ोसियों की बात करें तो आप देखेंगे नीचे आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, आप देखेंगे नेपाल हो गया, यहाँ ऊपर चाइना देखेंगे, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ आपका अफगानिस्तान। आप सभी जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक हुआ करता था इस तरह से, देखिए पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लेकिन आपने देखा है कि आपकी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, लद्दाख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो यहाँ आप देखेंगे लद्दाख में एक जिला पड़ता है कारगिल, क्या पड़ता है कारगिल, तो यही आपका ये युद्ध हुआ था, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कारगिल। आपसे ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस तरह के भी तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कितने देशों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों से लगती है। तो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे चाइना हो गया, और यहाँ छोटी सी सीमा आप देखेंगे ऊपर पीओके वाले हिस्से की जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये आपको अफगानिस्तान के अंडर में देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है, और इस तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान से, यानी कि लद्दाख की सीमा तीन राज्यों तीन देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है? और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। चलिए वापसी चलते हैं अपने पॉइंटरों पर, देखते हैं 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और जो हमारे देश के शहीद हुए थे जो भी आपके सैनिक, उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं एक तरह से, समझ रहे हैं? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस युद्ध में क्या थी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप समझिए कि देखिए हम लोग नीचे खड़े हुए हैं और कोई ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ है, तो उसे ऊपर से कुछ भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी करना है तो उसके लिए आसान रहेगा, लेकिन हमें मुकाबला करना है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई थी। इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत ही जाबाज सैनिक रहे हैं हमारे कि उन्होंने मुकाबला किया हुआ है, हमारे पास उस समय आप कह सकते हैं कि इतनी तकनीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस विजय के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं बदले हमने कितने सैनिकों को खोया, समझ रहे हैं? तो इसे आप लोग, पाकिस्तान ने वैसे आप कहें तो इसकी शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, कब 3 मई 1999 को, और कब तक चलता है 3 मई 1999 से आपका 26 जुलाई तक, आप समझ रहे हैं बड़ा लंबा समय था। जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के करीब घुसपैठ कर दी, अपने 5,000 सैनिक लेकर वहां कब्जा करने या घुसपैठ करने की कोशिश करने लगा, वहां पहुंच गया। इस बात की जानकारी आप देखते हैं कि सेना को जब मिली
और सेना ने फिर आपने देखा है कि ऑपरेशन विजय भी चलाया उन सैनिकों को वहां से हटाने के लिए, पाकिस्तान के सैनिक जो थे उन्हें हटाने के लिए। तो एक तरह से आप लोग एक पिक्चर को भी देख सकते हैं। देखिए आप लोग, नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से पाकिस्तानी सेना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहां से। तो आप देखते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा, समझ रहे हैं। इसके बारे में कुछ तो पॉइंट आप लोग याद रखिए। कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में लड़ी गई जंग है, दुनिया के सबसे ऊंचे, समझ रहे हैं आप लोग। और एक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान, यानी कि कारगिल युद्ध के दौरान, भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है, 527 जवान। वहीं आप देखेंगे कि 1363, यानी कि 1363 जवान जख्मी हुए, घायल हुए। वहीं आप देखेंगे पंजाब के 53 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे, और भी कई राज्यों से आपके ये सभी जवान थे। ऑपरेशन विजय का जिम्मा परोक्ष और अपरोक्ष रूप से करीब 2 लाख सैनिकों को सौंपा गया था। कितनी संख्या थी, 2 लाख, एक बहुत, आप समझ सकते हैं कितनी संख्या रही होगी। मुख्य युद्ध क्षेत्र कारगिल द्रास सेक्टर में करीब 30,000 सैनिक मौजूद थे, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले तो उसने भेजा था, उसके भी सैनिक मदद के लिए आते रहे पाकिस्तान के। फिर आप देखेंगे कि भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए घुसपैठियों की तलाशी ली गई। तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पहचान पत्र मिले। कारगिल जंग में मारे गए ज़्यादातर जवान नॉर्दर्न लाइट लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। और पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान का एक अर्धसैनिक बल था, जैसे 1999 की जंग के बाद पाकिस्तान की नियमित रेजिमेंट में बदल दिया गया। इससे और पक्के सबूत हो गए कि पाकिस्तान का ही एक तरह से एक सैनिक थे, समझ रहे हैं। इसे देख लीजिए आप लोग कि कब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे। एक बार बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि उस समय हमारे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री थे आपके कारगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और आप सभी जानते हैं, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि किस तरह की शख्सियत थे, आप समझ सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो नवाज शरीफ थे। कौन थे, नवाज शरीफ थे, याद रखिएगा। 3 मई 1999 को एक चरवाहा ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ का कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। हमारे पास, पहले भी मैंने बोला है कि हमारे पास इस तरह की कोई तकनीक नहीं थी कि हम लोग पता लगा लें कि वहाँ कोई आया हुआ है। आज तो आप देखते हैं कई हमारे पास तकनीकें आ चुकी हैं। तो एक चरवाहा ने ये सूचना दी थी भारतीय सेना को कि पाकिस्तान की सेना ने घुटपैठ कर दिया है, अपना कब्जा जमा लिया है। फिर आप देखेंगे 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची, तो पाकिस्तानी जो सेना थी, सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी। क्योंकि आप समझ जाते हैं कि समझते हैं कि किस तरह से वो निर्दम हत्या करते हैं, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। इस तरह की घटना आप समय समय पर देखते रहते हैं। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चुपके से वार करते हैं, मतलब वीरता की तरह युद्ध नहीं करते हैं कि वीर हो के, मतलब आमने सामने से। फिर आप देखेंगे कि 9 मई का समय आता है और पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। फिर आप देखेंगे कि आपकी 10 मई आती है और पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार, यानी कि द्वास काकसार मुस्कोए सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। फिर आप देखेंगे 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। फिर आप देखेंगे कि 27 मई कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया। इन दोनों को याद रखिए, आपकी परीक्षा में हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछ ले कि कारगिल में किन किन वायुसेना ने इनका उपयोग किया था। तो याद रखिए मिग 27 और मिग 29 था ये, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया और भारतीय सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल में मिला कर जीत हासिल की। और इसीलिए हम देखते हैं कि 26 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं,
कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद और भी पॉइंट है आपके, इन्हें भी। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के करीब 3,000 सैनिकों की जान गई थी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कितने सैनिक मारे गए थे उनके? करीब 3,000। लेकिन वो इस तरह के आंकड़े नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि 300 से 400 के सैनिक ही हमारे मरे थे उसमें, समझ रहे हैं? लेकिन आप जानते हैं कि हकीकत आंकड़े वो लोग बताते भी नहीं हैं। भारतीय सेना ने लड़ाई के दौरान अपनी सीमा में पहाड़ों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों और मुजाहिदीनों को परास्त किया था, यानी कि हराया था। और आईएसआई के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने भी माना था कि इसमें नियमित पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे। आप सभी लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो अपने, अगर पकड़ा जाता है तो वो कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की क्या हरकतें रही हैं और आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ भी है। कई बार आप देखते हैं कि फटकार भी खा चुका है दुनिया भर की, लेकिन फिर भी मानने वाला नहीं है। वो चलता रहता है, उसकी घटनाएं चलती रहती हैं। वही हाल है कि घर में खाने के लिए नहीं, दूसरे को बर्बाद करने के लिए चले जाओ। कि पाकिस्तान में आप देखते हैं किस तरह से स्थिति है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस तरह के हथियारों पर किस तरह से खर्च कर रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कितना पैसा खर्च करता रहता है। इतना अगर वो अपने देश की तरक्की में करता, अपने लोगों के विकास में करता, तो मुझे लगता था बहुत आगे जा सकते थे और एक तरह से हमें भी फायदा होता। हमारे सैनिक भी तो एक तरह से सेफ जोन में रहते, हम भी तो अपना एक तरह से काम अच्छे से कर सकते थे। लेकिन आज देख रहे हैं आप लोग कि एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, हम लोग दो फ्रंट पर एक तरह से उलझे हुए हैं। पाकिस्तान के उर्दू डेली में छपे एक बयान में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने इस बात को माना था कि करगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना की के लिए एक आपदा साबित हुआ। नवाज ने माना था कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2,700 से ज्यादा सैनिक खो दिए थे। रेड क्रॉस के मुताबिक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में करीब 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और भारतीय इलाकों में करीब आप देखेंगे 20,000 लोगों पर असर पड़ा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब किसी क्षेत्र में युद्ध होता है तो आप देखते हैं वहां के रहने वाले लोगों की दैनिक जीवन चर्या पर भी तो आप कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो भी तो निकलते हैं। आप देखते हैं नक्सली घटनाएं होती रहती हैं हमारे देश में कई जगह, वहां के लोगों का किस तरह से विपदा रहती है, प्रॉब्लम रहती है, समस्याएं रहती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कारगिल सेक्टर में लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक स्थान पर रात भी बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने जकरिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात गुजारी थी। तो इनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी एक तरह से आप कह सकते हैं, और इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और कई लोगों का कहना है कि कारगिल की लड़ाई उम्मीद से ज्यादा खतरनाक थी। हालात को देखते हुए मुशर्रफ ने परमाणु हथियार तक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से माना जाता है कि परमाणु हथियार चलाने वाला देश भी बर्बाद होता है और जिसके ऊपर चलता है वो भी बर्बाद होता है। आप लोगों ने जापान का सुना होगा, 1945 के करीब आपने द्वितीय विश्व युद्ध आपका जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद ही खत्म हुआ था एक तरह से, आप समझ रहे हैं वहां क्या हालत हुई है। आप लोग एक उदाहरण अपने देश से भी ले सकते हैं। आप सभी लोगों ने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, उसका इफेक्ट अभी तक देखा जा रहा है, आप समझ रहे हैं? तो परमाणु बम का क्या काम रहता है, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक रहता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, तो हम भी कम नहीं हैं किसी से, लेकिन हम लोग इस तरह की धमकी नहीं देते हैं। पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध को 1998 से अंजाम देने की फिराक में थी और इसके लिए पाक सेना ने करीब 5,000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई के लिए भेजा था। और कारगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को पहले से ऑपरेशन की खबर नहीं दी गई थी।
जब इस बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को बताया गया तो उन्होंने इस मिशन में अपनी ही आर्मी का साथ देने से इनकार कर दिया। यानी कि वो ये है कि हार सामने है तो क्यों कोई जाएगा, लेकिन ये अलग बात है। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में मिग लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया था। मिग 27 की मदद से इस युद्ध में उन स्थानों पर बम गिराए गए थे जहां पाक सैनिकों का कब्जा जमा लिया था और जो हमसे ऊंचाई पर थे। इसके अलावा आप देखेंगे 29 मिग 29 कारगिल में बेहद अहम साबित हुआ था। वैसे विमान ने कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी, तब जाकर हमें ये सफलता हासिल हुई थी। 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं में बहुत अच्छा मेल जुलाप है। और आप समझिए, एक पग अगर किसी तरह की विपदा आती है तो सभी साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, युद्ध में वायुसेना के करीब 300 विमान उड़ान भरते थे और कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से आप देखेंगे 16,000 से 18,000 फीट है। इसीलिए आप समझते हैं कि सबसे ऊंची लड़ाई, ऊंची जगह पर लड़ाई लड़ी गई है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था और ऐसी ऊंचाई पर हवा का घनत्व 30% से कम होता था। इन हालात में पायलट का दम विमान के अंदर ही घुट सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज अगर देश सुरक्षित है तो हमारे, आप कह सकते हैं कि हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी जान हथेली पर लेकर एक तरह से वो लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन पर राजनीति ना हो तो बहुत अच्छी बात है। कारगिल युद्ध में तोपखानों यानी कि आर्टिलरी से आप देखेंगे, ये आप देखेंगे कि 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे और 300 से ज़्यादा तोपें, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों ने रोज करीब 5,000 गोले फायर किए थे। और लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में रोजाना हर आर्टिलरी बैटरी से औसतन 1 मिनट में एक राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी। और ये युद्ध आपका 26 जुलाई 1999 को जाकर ख़त्म होता है, समझ रहे हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखते हैं कि हमें विजय मिलती है, हमें जीत मिलती है। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और आप देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब और कई लोग सैनिकों को जो इसमें शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देते रहते हैं। ठीक है, हर 26 जुलाई को आप लोग देखते होंगे चहल पहल बनी रहती है हमारे देश में, कई बड़े बड़े नेता उन्हें भी श्रद्धांजलि देते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ आप लोगों को याद रखना है और मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी के लिए काफ़ी है। और आप समझ सकते हैं कि सभी घटनाओं को कवर कर पाना और एक एक पॉइंट रख पाना मुझे लगता है कि संभव नहीं होता है, समझ रहे हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको आप लोगों को बता दिया है, इन्हें आप लोग देख लीजिए 1 से 2 बार। और इस तरह की घटनाओं को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। इस तरह की घटनाओं से कई बार आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आप लोग जानकारी भी तो होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है,